नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज जिस तंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसको वनस्पति तंत्र बोलते हैं। वनस्पति तंत्र अर्थात वो तंत्र जो वनस्पति से आए। इस तंत्र में पूर्ण रूप से जो पेड़ है उसके तने, उसका जड़, उसकी छाल का प्रयोग करके तंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें लगभग इसमें जितने भी विषय आते हैं उसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। जो मैंने पहले बताया था कि कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जिसमें कि सामग्री, यंत्र और मनोभाव से ही वो तंत्र काम करने लगता है, तो मनोभाव वहाँ मंत्र का काम करता है। तो जो वनस्पति तंत्र है ये एक ऐसा तंत्र है जिसमें मनोभाव बहुत ज़्यादा काम करता है। वनस्पति तंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन वनस्पति तंत्र का इतना आधा ज्ञान है हमारे पास कि वनस्पति तंत्र आज के जीवन शैली में टोटका बन के रह गया। कैसे? देखो, जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि नींबू मिर्च की माला टांग लेते हैं अपने दुकान के सामने, लेकिन जो वनस्पति तंत्र बोलता है कि बिजनेस उसमें से सुधार आएगा, जो बुरी शक्तियां वो बाहर रहेंगी, लेकिन उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? तो एक नींबू और कुछ हरी मिर्च को आपको अपने दुकान के बाहर में टांगना होता है। ये पहला है, पहला चरण है इस वनस्पति तंत्र का। दूसरा क्या है कि ऐसे किसी वृक्ष जिस पर कि चमगादड़ रहते हो, उस पेड़ का शनिवार की शाम में जाके आपको उसको आमंत्रित कर लेना है, और उसके बाद उसका एक डंठल जिसमें कि पत्ते लगे हो, ऐसे एक डंठल को रविवार की सुबह होने से पहले, सुबह होने से मतलब सूर्योदय से पहले जा करके उसको ले आना है, और फिर उसको जिस आसन पर आप बैठ रहे हैं उसको पत्ते की तरफ करके उसको ऐसे रख दीजिएगा और उस आसन पर आप बैठ जाइएगा। यहाँ पे भी कहानी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद क्या है कि काला चना ले लीजिएगा, पूरा वाला, पूरा काला चना, और उसके बाद मंत्र है भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान खाकर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर सोखे नहीं जाए। इस मंत्र को पढ़ के 108 बार जो आपका स्टॉक है उसके ऊपर इसको छीट दिया जाता है। जब ये तीनों प्रक्रिया आप साथ में करते हैं ना, तो फिर दुकान में बढ़ोतरी होती है। आज के डेट में क्या है कि नहीं जानने के चलते एक से एक डिज़ाइनदार नींबू मिर्च का जो है लोग माला बना करके अपनी दुकान के सामने टांग लेते हैं। खैर, आज का जो मूल विषय है ये मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि इससे आप सभी जुड़े होंगे, लेकिन जो आज का मूल विचार है वो है कि कैसे अगर आप पर कोई ग्रह दोष चल रहा है तो उस ग्रह दोष से वनस्पति तंत्र से आप कैसे निकल सकते हैं। अभी आप जाइएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास तो वो चाहे तो आपको सीधा टोटका बताएगा, अगर समझदार एस्ट्रोलॉजर होगा तो, या फिर अगर बिजनेसमैन होगा तो फिर वो आपको महंगे पत्थर देगा। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कि जो पत्थर होता है ना वो अंतिम श्रेणी होता है इलाज का, मतलब वो सर्जरी हो गई किसी चीज़ की। और किसकी सर्जरी आप कर रहे हो? नवग्रह की। जब मैंने इतिहास बताया था नवनाथों का तो मैंने बताया था कि सबसे पहले नवग्रह आए थे, फिर नवनारायण आए, फिर नवनाथ आए, और फिर से नवनाथों का प्रादुर्भाव हुआ चार चरण में। तो ये नवग्रह हैं जिनका आप इलाज करना चाह रहे हैं, तो इनको प्रार्थना से आप ज़्यादा मना सकते हैं ना कि बल से। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि किस पेड़ के जड़ से आपके किस ग्रह का दोष मिटता है। इसमें दो तरीका है, ठीक है। एक तो होता है जिसमें कि आप किसी जड़ को धारण कर लेते हैं, ठीक है, और फिर एक मेरु तंत्र आता है जिसमें कि आप जड़ से स्नान करते हैं, जड़ से या फिर उसके छिलके से, किसी भी चीज़ से, अलग अलग से। तो वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो अगर जिनका सूर्य खराब है, ठीक है, तो सूर्य खराब होने पर आप जो बैनियन ट्री होता है, वट वृक्ष जो होता है,
वट वृक्ष का जड़ ले आएंगे, अब उसको पहले निवेदन करते हैं, किसी भी पेड़ का किसी भी अंग को आप जब लेंगे ना तंत्र के प्रयोग के लिए, तो एक दिन पहले जाके निवेदन करिए कि आप मेरे साथ आइए, तब उसको दूसरे दिन लेने जाइए, ठीक है, सूर्योदय से पहले लेना चाहिए। तो जड़ लेंगे वट वृक्ष का, उसको सोने के ताबीज में डाल करके पहनेंगे। इसको पहनने से सूर्य का जो भी प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, अगर अच्छा प्रभाव है तो बढ़ेगा, और अगर बुरा प्रभाव है तो वो घट जाता है। अगर पहन नहीं सकते हैं तो देवदारू होता है, केसर है, उसके बाद इलायची है और महुआ का फूल, इन सबको एक साथ आप मिला लीजिए, इसको कूट लीजिए और जिस जल से आप नहाते हैं उसमें इसको डाल दीजिए। इस जल के स्नान मात्र से आपका जो भी सूर्य का प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वो कम हो जाएगा, और अगर अच्छा प्रभाव है तो वो बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा इसके साथ जो आप कर सकते हैं वो एक कॉपर रिंग खरीद लीजिए, उसको दूध और घी से नहा करके रविवार की सुबह में सूर्य के मंत्र के से 108 बार अभिमंत्रित करके उसको पहन लें। तो ये तीन अगर आप करेंगे तो सूर्य जो है वो आपका हमेशा सेटल रहेगा। दूसरा ग्रह विचार आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा के लिए खिरनी जो होती है, खिरनी का रूट ले आइए, उसका जड़, और सफ़ेद ऊन में उसको पहनना है, ठीक है, सफ़ेद ऊन में उसको बांध लीजिए और उसके बाद उसको पहन लीजिएगा, तो चंद्रमा का दुष्प्रभाव जो है आपके जीवन पे कम हो जाएगा। स्नान के लिए जल में चांदी, अगर मोती है तो मोती, शंख और पंचगव्य डालें, ठीक है, इनको पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ दें, सीप हो तो सीप भी डाल दें, और उसके बाद इस पानी से स्नान करें तो भी चंद्रमा का प्रभाव कम होता है। चंद्रमा का प्रभाव कम करने के लिए अगर अंगूठी आपको पहनने की इच्छा है तो छोटा छोटा शंख आता है, बहुत छोटा शंख आता है, उस शंख का अगर आप एक अंगूठी बना लें और उसको सफ़ेद चंदन से स्नान करवाएं और दूध से स्नान करके चंद्रमा का आप मंत्र पढ़ के सोमवार को पहने तो भी चंद्रमा में आपको, चंद्रमा का किसी भी दुष्प्रभाव से आप बच जाइएगा। इसके बाद कौन सा आता है, मार्स। मार्स के लिए अनंत मूल का जड़ लेना होगा, सोने की ताबीज रहेगी, और इसको लाल धागे में आपको पहनना है मंगल को, मंगल है ना, तो मंगल को आप इसको पहनोगे तो आपको लाभ होगा। अनंत मूल का जड़ अगर नहीं पता होगा तो किसी जड़ विशेषज्ञ से जाकर के, या फिर जहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलती है वहाँ जाकर के आप पता करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मंगल का, और स्नान करने के लिए आपको सूखा हुआ अदरक, लाल चंदन और मौलसारी का जो फूल होता है, इन तीनों को जल में डाल के अगर आप स्नान कीजिएगा, मंगल का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। और मंगल के इफेक्ट को कम करने के लिए सोने की अंगूठी को धो करके अगर आप मंगल का मंत्र पहन के पढ़ के पहने तो भी मंगल का जो है इफेक्ट वो कम होगा। देखो, एक एक करके सारे ग्रह विचार मैं बता रहा हूँ, और इसमें अगर आप लोग सोचेंगे कि किस उंगली में पहननी है, तो जिस ग्रह विचार का जो भी उंगली है वही पहनना है आपको, या फिर उसके मित्र ग्रह की उंगली में आप उसको पहन सकते हैं। अब आता है बुध पर। बुध में विधारा का जो जड़ है उसको निकाल करके चांदी की ताबीज में हरे रंग के धागे में बुधवार को पहनना चाहिए, इससे बुध का प्रभाव कम होता है, जो भी दुष्प्रभाव है, ठीक है। और बुध के प्रभाव के लिए आपको एक काम और करना चाहिए, चावल, गोरोचन, थोड़ा सा सोना, मतलब सोना डाल के उसको बहा नहीं देना है, सोना पानी में रखना है, थोड़ा सा उसमें मधु और थोड़ा सा उसमें बहेदा अगर डाल दीजिएगा
तो इतने चीजों को मिला करके स्नान करने से बुध के अगर दृष्टि से आपके कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगा। अब आते हैं बृहस्पति पर। बृहस्पति बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सभी जातकों की कुंडली के लिए, क्योंकि बृहस्पति या शुक्र, इसी से आपका करियर डिसाइड होता है। तो बृहस्पति अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो उसके लिए एक सोने की ताबीज ले, उसमें भरंगी या फिर केले का जड़, देखो केला का जड़ ज्यादा प्रभावी होगा और आसानी से मिलता है, तो सोने के ताबीज में केला का जड़ लीजिए और उसको पीले धागे में बृहस्पतिवार को अपने गले में अगर आप पहनते हैं तो आपको जो बृहस्पति है उसका, बृहस्पति का जो दुष्प्रभाव है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। और बृहस्पति को शांत करने के लिए मदयंती या मुलेठी, सफेद सरसों और मालती का फूल, इन चारों चीजों को जल में डालिए और उस जल से नहाइए तो बृहस्पति जो है वो शांत होता है। बृहस्पति ग्रह चांदी का एक अंगूठी बृहस्पतिवार को, उसको अच्छे से पंचगव्य से स्नान करा करके, बृहस्पति का मंत्र पढ़ के, बृहस्पति ग्रह का मंत्र पढ़ के, और उसके बाद उसको पहनने से भी बृहस्पति का जो दुष्प्रभाव है वो शांत होता है। अब आते हैं शुक्र पर। शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है जो तंत्र और जो तंत्र मंत्र विधान में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए शुक्र बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शुक्र ऐसे लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लोहा का व्यापार करते हैं या शराब के व्यापारी हैं या जो भी एग्जॉटिक लाइफस्टाइल से जो भी डील करते हैं, उनके लिए शुक्र को बस में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सरपंखा का जड़ लेकर के और उसको सोने की ताबीज में शुक्रवार को पहनना चाहिए सफ़ेद धागे में। ऐसा करने से अगर शुक्र प्रभाव सही नहीं दे रहे हैं तो शुक्र ग्रह का प्रभाव जो है वो जीवन पर सही हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर शुक्र का प्रभाव और थोड़ा मतलब अपने लिए अनुकूल करना है तो जल में इलायची, केसर, ठीक है, बहेदा डाल करके और हरद को डालिए, ये सब आपको आयुर्वेद की दुकान में मिल जाएगा, ये सब मिला करके उस जल से स्नान कीजिएगा तो भी शुक्र का अगर दुष्प्रभाव है या फिर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। शुक्र के लिए अगर अंगूठी पहननी है तो प्लैटिनम की अंगूठी को दूध, गाय के दूध और मधु में मिला करके उसके बाद अभिमंत्रित करके शुक्रवार को पहनिएगा तो आपको शुक्र ग्रह का जो है प्रभाव अच्छा मिलने लगेगा। इसके बाद आते हैं शनि पे। शनि के लिए बिच्छू का जड़ शनिवार को लीजिए और काले धागे में उसको पहनना है और इसको शीशे का ताबीज़ बनवाना होगा, थोड़ा रेयर है लेकिन मिल जाता है, शीशे का ताबीज़ बनवा करके उसमें पहनिए। शीशा का मतलब ये शीशा नहीं होता, मतलब ये आप ग्लास मत समझ लीजिएगा। तो उसमें जो अष्ट धातु आते हैं, जो पंच धातु होते हैं, उसमें शीशा जो क्लैरिफाइड मरकरी है उसको बोलते हैं, उसका ताबीज़ मिलता है, उसको ही आप लोगों को यूज़ करना है। अच्छा, अगर शनि का प्रभाव को और कम करना है तो मैंने पहले ही बताया है कि शनि, राहु, केतु, इन तीनों का प्रभाव कम काली और भैरव के पूजा से होता है। अगर काली और भैरव का आप नित्य पूजा कर रहे हैं तो इन तीनों ग्रहों का दुष्प्रभाव आप पे नहीं रहेगा। कारण ये कि शनि के आराध्य देव काल भैरव हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस इनका मतलब प्रभाव आपको थोड़ा अपने जीवन में कम करना है तो एक तरीका और है कि आप लोहे का चेन अपने राइट पाँव में, जैसे औरतें पायल पहनती है वैसे एक लोहे का चेन पहने, या दोनों अंगूठे में लोहे का आप अंगूठा पहने पैर के अंगूठे में, ठीक है। अगर स्नान करना है मेरु तंत्र के हिसाब से तो काला सरसों और काला सरसों के साथ सूरमा लोध, इन दोनों चीज़ों को जल में मिलाइए, नागर मोथा मिलता है उसको मिलाइए, इन तीन चीज़ को मिला करके इसके जल से नहाइएगा तो शनि का प्रभाव जो है जीवन में वो कम हो जाएगा। शनि के लिए कौन सी अंगूठी, तो वही शीशे की अंगूठी पहनी जाती है शनिवार को, उसको गाय के दूध में डाल के शनि का मंत्र पढ़िए और उसके बाद उसको पहन लीजिए। अब आता है राहु पे। अगर राहु आपके जीवन में खलल डाल रहा है तो सफ़ेद चंदन का जड़ दीजिए और उसको नीले रंग के धागे में
लोहे की ताबीज में आपको पहनना है, ठीक है। तो उससे क्या है कि राहु का प्रभाव बिल्कुल ही कम हो जाता है। और अगर स्नान मेरु तंत्र से कम करना है तो लोबान जल में डालिए और गंडूची डालिए, तागर डालिए, इसको जल में डालिए, सरसों का पत्ता मिले उसको जल में डालिए और इस जल से नहाइएगा तो राहु का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। केतु के लिए असागंध होता है एक जड़, उसके जड़ को लेना होता है और ब्लू धागे में इसको चांदी की तावीज़ में बृहस्पतिवार को पहना जाता है, ठीक है। तो उससे केतु का प्रभाव जीवन में कम हो जाता है। केतु के प्रभाव को कम करने के लिए अगर स्नान करना है आपको तो सहदेही का जड़ ले लीजिए, लोबान ले लीजिए, ठीक है, और हिंगजोत लीजिए, इसको जल में डालिए और इस जल से स्नान कीजिएगा तो केतु का प्रभाव कम आप पे पड़ेगा। राहु के लिए लोहे की अंगूठी पहनी जाती है, उसको शनिवार को शाम में आपको पहनना है, राहु का मंत्र को जप करके और इसको गाय के दूध में धो करके पहन लीजिएगा तो राहु का असर कम होगा। और शीशे की अंगूठी को अगर शनिवार या मंगल को दूध में ऐसे धो करके और उसको पहन लीजिएगा तो केतु का प्रभाव आपके जीवन में कम होता है। देखिए बृहद ज्योति जो है, बृहद ज्योतिष वरिधि ये किताब है, इसमें बताया गया है कि अगर आपका सूर्य खराब है तो सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी नहीं पहन सकते हैं आप, प्लैटिनम और कॉपर की अंगूठी पहन सकते हैं। चंद्रमा खराब है तो चांदी की अंगूठी पहनेंगे। अगर आपका मंगल खराब है तो लाल कॉपर का रिंग आप पहन सकते हैं। अगर आपका मरकरी खराब है तो ब्रास रिंग आप पहन सकते हैं। जुपिटर खराब है तो गोल्डन रिंग, सोने का। अगर वीनस खराब है तो ब्रॉन्ज रिंग पहन सकते हैं, प्योर ब्रॉन्ज। हाँ, इसमें एक जहरीला आता है, एक क्लियर ब्रॉन्ज आता है, तो क्लियर ब्रॉन्ज पहनिएगा। सैटर्न के लिए लोहे का रिंग होता है, राहु के लिए टिन, जो पंच धातु में अष्ट धातु में टिन का प्रयोग होता है वो टिन का रिंग होगा, और केतु के लिए ग्लास का रिंग होगा। ग्लास मतलब क्लैरिफाइड मरकरी एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये है वाणिज्य तंत्र के हिसाब से जो ग्रह दोष है उसको हटाने के लिए बहुत ही सरल उपाय। देखो इसमें क्या है कि आपको ना लाखों रुपए पर रत्ती खर्च करना होगा सोने पे और ना महंगे महंगे आपको आभूषण पहनने होंगे। देखो आप अगर किसी के पास जाओगे कि मेरा शुक्र मजबूत कर दो तो वो आपको बोलेगा कम से कम 1 लाख का हीरा पहन लो। कोई भी जो पत्थर है जो अच्छे क्वालिटी का आएगा वो लाखों में आता है। आप सस्ते पत्थर पहनोगे तो आपको उपाय वो सस्ता देगा, लेकिन अगर आप वाणिज्य तंत्र से उपाय करते हो तो उत्तम से उत्तम पत्थर का जो है वो फल, ये जो सुनने में बहुत आसान लगा होगा कि इसका जड़ ऐसे पहन लो, इस जड़ से नहा लो और ये मेटल की अंगूठी पहन लो, लेकिन इन तीनों को आप साथ में करके देखो वो लाभ होगा कि आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा। इसके बाद एक वीडियो मैं फिर बनाऊंगा जिसमें मैं रत्नों के बारे में आपको बताऊंगा, तंत्र के हिसाब से रत्न का प्रयोग और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से रत्न का प्रयोग थोड़ा भिन्न है, तो उस पर मैं आपको आगे वीडियो बना के दूंगा। आज के लिए इतना ही। नवग्रह आप लोगों पर आशीर्वाद बरसाए रखे, सब बैलेंस रहे आपके जीवन, ऐसी मेरी कामना है। जिनको बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे 9 3 9 8 5 8 5 से। जिनको साधना शिविर में अभी आना है वो साधना शिविर में आ सकते हैं, वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, शिवपुरी में होगा साधना शिविर, उसमें आप लोग आ सकते हैं। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है, कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें differnt@cn4 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantras.xyz पर जाइए, आपका अपॉइंटमेंट लिख मिलेगा, वहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश।